कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बाबा को बाबू को भगवान बना के पूजते हैं, वो उनके बनाए हुए भगवान हैं। मनुष्य के बनाए हुए भगवान तो नश्वर होते हैं। दूसरी बात है कि अगर वो सचमुच में दमखम रखते हों तो मुसलमानों के मस्जिद में वो उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित करके दिखावे। क्या हिंदुओं को दुर्बल समझते हैं ना सनातनियों को? पहले मुसलमानों को राजी करें कि उनकी मस्जिद में जिसको वो देवता मानते हैं उसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे, मुसलमान करने देंगे, आज समाजियों के मंदिर में प्रतिष्ठा होने देंगे। तो हर एक जगह नियम है, देवी देवता कृत्रिम नहीं होते हैं। किसी की आस्था है तो आप उनके लिए मंदिर बनाओ, अपना अपने घर में रखो। सनातनियों के परंपरा प्राप्त जो देवस्थान हैं उनको विकृत करने का अधिकार आपको किसने दिया? ये आस्था के नाम पर क्या है, उन्माद है या नहीं? कोई व्यक्ति अपने पति को देवता माने बहुत अच्छी बात, लेकिन दूसरी पत्नियों को कहे कि मेरे पति की मूर्ति स्थापित करो, मेरे पति की मूर्ति का की स्थापना करो या मेरे पति का आराधना करो, उन्माद होगा ना। आपकी किसी के प्रति आस्था है अपने घर में पूजन करो, लेकिन सनातनियों के परंपरा प्राप्त जो देवस्थान हैं उनको विकृत करने का आस्था के नाम पर मानवाधिकार की सीमा में जघन्य अपराध है, सर्वथा उचित है। इसलिए मनुष्य के बनाए हुए भगवान, हमारे यहाँ तो एक से एक ऋषि मुनि हुए सनातनी, लेकिन मूर्ति प्रतिष्ठा उनकी नहीं की गई तो मर्यादा होती है ना। फिर जो जगत को बनाने वाला और जगत बनने वाला दोनों भगवान को मानते हैं, जिनका भगवान जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उन्हीं का भगवान अवतार ले सकता है, उन्हीं के भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा होती है, सनातन मर्यादा। अगर अमुक महात्मा या बाबा मुसलमान थे तब तो मूर्ति पूजा उनके यहाँ ही नहीं, अगर वो हिंदू थे तो हिंदुओं में एक से एक सिद्ध हुए हैं, उन्हीं की मूर्ति क्यों? इसलिए यह अराजकता है, अनुचित है, भावुकता है। इस भावुकता के चपेट से प्रामाणिक व्यक्तियों को बचना चाहिए, और उनके पक्षधरों का भी दायित्व है कि अपनी आस्था को सनातन धर्मियों के मंदिर में उलेर करके वहाँ की परंपरा विकृत न करें। मनोविज्ञान भी कहता है, आज मान लीजिए मेरे अनुयायी मेरी मूर्ति किसी मंदिर में प्रतिष्ठित करें, वो मूर्ति कब तक भगवान बनकर पूजेगी? यह तो काल के गर्भ में है, लेकिन लोगों पर भाव यही बनेगा कि अपने समय में रामकृष्ण भी ऐसे थे जिनके कमर में दर्द देखते नहीं, क्या कहाँ भगवान रामकृष्ण कहाँ हम, भावना बनेगी या नहीं कि अपने समय में रामकृष्ण भी ऐसे रहे होंगे, उनके भक्तों ने उनको भगवान बना दिया। इसका मतलब है कि परंपरा को विकृत करना हुआ अपराध हुआ या नहीं? ये तो मानवाधिकार की सीमा में अपराध है। अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी पूजा परंपरा है, उसको विकृत करने में कोई भी अधिकृत नहीं है। भावुकता जो होती है प्रमाण सम्मत भावुकता मान्य है, प्रमाण विहीन भावुकता का समाधान नहीं है। बस।